C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। वेदिका, मैं तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए आई हूँ। 48 आवर्स के लिए तुम्हें बाहर भेज सकती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें सारे सबूत इकट्ठा करके यहाँ आना होगा। हेलो, जिस लड़के को तुम ढूंढ रही हो वो जिंदा है। लखनऊ में आलम नगर में चतुर्दशी का मेला चल रहा है, वहीं ढूंढ सकती हो तो ढूंढ। क्या ये आगाज है साहिल वेदिका की अधूरी प्रेम कहानी के पूरा होने का? जिस लड़के को तुम ढूंढ रही हो वो जिंदा है। लखनऊ में आलम नगर में चतुर्दशी का मेला चल रहा है, वहीं ढूंढ सकती हो तो ढूंढ। क्या ये आगाज है साहिल वेदिका की अधूरी प्रेम कहानी के पूरा होने का? मेरा मानना ये है कि अगर प्यार सच्चा हो तो कोई रुकावट उसे रोक नहीं सकती। मुझे पता था तुम ठीक हो। जिसने भी ये कहा ना वेदिका जी, बिल्कुल सच कहा है कि प्यार करने वाले एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं। मौत भी ऐसे दो दिलों को अलग नहीं कर सकती वेदिका जी। मौत के मुंह से वापस आकर फिर एक बार साहिल ने भर दी है अपनी और वेदिका की प्रेम कहानी में एक नई जान। पर दुनिया की नजर में साहिल का ये पुनर्जन्म क्यों चौंका देगा सभी को? यह है कोई राज जिससे है बेखबर अग्रवाल परिवार और खुद वेदिका भी। जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। जैकी, रुक जाओ, चलो मेरे साथ। साहिल, मैं शराब कहाँ गए थे तुम? साहिल, किसने पिलाई तुम्हें शराब? ये चुप रह रहा तू, दिमागी मार बैन कर रही ली हली पिली। पका मत, चल लेक्चर कहीं और जाके झाड़, समझी क्या? गणेश तिवारी, साहिल के नाम की पूजा रखवाई है, तू होता कौन है रोकने वाला? तू होता कौन है बड़ी उमा को रोकने वाला? और अगर वो चाहती कि पूजा हो तो पूजा होके रहेगी। गणेश तिवारी, साहिल अग्रवाल के घर में तेरी मनमानी नहीं चलेगी। जाकी, अभी तू यहाँ क्या कर रहा है? तू खुद को साहिल क्यों बोल रहा है? कहाँ चला गया साहिल? माँ ने कहा कि वो घर भी नहीं गया है। अबुल का नाम जानते हैं तुम दोनों? क्या है अबुल का नाम? जैकी। जैकी से पंगा लिया ना तो तुम दोनों पे बहुत भारी पड़ने वाला है, समझे क्या? तुम साहिल नहीं? अरे हाँ, तो अबुल को क्या बता रही? तो अपुन जानते हैं कि अबुल का नाम जैकी है, साहिल नहीं। कहाँ चला गया साहिल? माँ ने कहा कि वो घर भी नहीं गया है। अबुल का नाम जानते हैं तुम दोनों? क्या है अबुल का नाम? जैकी। जैकी से पंगा लिया ना तो तुम दोनों पे बहुत भारी पड़ने वाला है, समझे क्या? तुम साहिल नहीं? अरे हाँ, तो अबुल को क्या बता रही? तू अपुन जानते हैं कि अबुल का नाम जैकी है, साहिल नहीं। अरे किस बात का तूफान आ रहा है? पानी पानी चाहिए अपन को, दारू तो निकले अपन में से। ए अपन को चार चार कहीं को दिख रहे लाए रे। साहिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कहाँ थे तुम? फोन भी नहीं उठा रहे हो, कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम घर भी नहीं गए, माँ ने मुझे कहा। तुम वेद को ढूंढने के लिए निकले थे ना, फिर यहाँ कैसे? अच्छा जल्दी से साइन करो इन पेपर्स पर, स्टे ऑर्डर है पुनीश को रोकने के लिए। तुम्हें पता भी है घर पे क्या चल रहा है? घर बिजनेस सब नीलाम करने वाला है वो, इसीलिए कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ सुनसान जगह पर पता नहीं। चलो जल्दी साइन करो, टाइम नहीं है हमारे पास। साइन करो, साइन करो साहिल, साइन करो जल्दी।
हो गया साइन? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई साहिल बनने की? कैसे तुम साहिल बन गए? कैसे कैसे तुम मेरे घर में आ गए? कैसे ये सब किया तुमने? तुम तो कोई जैकी। निकल जाओ यहां से। वेदिका जी अपुन सॉरी है। वो क्या है ना वेदिका जी, अपुन ने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। अपुन आपको लखनऊ के मेले में मिला। अपुन ने क्या अपुन ने आपसे कहा कि अपुन साहिल है? नहीं कहा ना अपुन ने। अपुन ने तो बाय फैलाई वेदिका जी, लेकिन वो तो पब्लिक के लिए, ताकि उनमें से कोई आए और अपुन से गले मिलेंगे। लेकिन अपुन को क्या पता कि आप आएंगे अपुन के पास और गले मिलेंगी और जबरदस्ती यहाँ लेके आएंगी। वेदिका जी अपुन एकदम डिसेंट आदमी है। वेदिका जी वैसे वेदिका जी अपुन बहुत हल्का हो गया है। और थैंक यू आपको भी और थैंक यू भगवान कि आपको पता चल गया कि अपुन साहिल नहीं है, क्योंकि साहिल का एक्टिंग करते करते अपुन बहुत ही कंटाल आ गया था। वेदिका जी देखना, जाली कागज बना लिए हमने। बस खरीदारों के पैसे आ जाएं और पुनीश तिवारी पुरंच मेरी जान स्विट्जरलैंड जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कागजात आर्या के हवाले कर, वरना तुझ जैसे रावण को भस्म करने से झुकूंगी नहीं मैं। करो। अब कुछ लोग हमारे इस घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, हम तुम्हारी उधारी चुका कर रहेंगे। जो खेल हमारी सास ने शुरू किया था ना, वो खेल आज उनका दामाद खत्म करेगा सर। लो सर, तुम्हारे 1 करोड़ की उधारी। अब मुझे पता है कि चारों तरफ जो मेरे दुश्मन है ना, करण, ऋषभ, ऋत्विक और ये जानकी बुढ़िया, इन लोगों को मुझे अपने रास्ते से कैसे हटाना है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक रॉकस्टार, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि आज मैं बाप बन गया हूँ। I've become a father। किसी और के बच्चे को अपना नाम दिया होगा ना? ओए, किसी और की बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है। She's my daughter। आपको सच ना बताने की मेरे पास बहुत सारी वजह है। आले और तनु अभी भी उसी घर में, जो कुछ वो मेरे साथ करते आई है मेरी बेटी के साथ करेंगी और मैं ये नहीं देख सकती। ये बॉटल छू के देखो, दूध कितना गर्म है। ये उबलता हुआ दूध कल्याणी बच्चे को पिलाने वाली थी। तुम जानती हो, अगर मेरा बेटा ये दूध पी लेता तो क्या हो सकता था? गलती मेरी है, सजा भी मुझे ही मिलेगी, क्योंकि सजा पाके अपनी गलती सुधारना, ये भी मैंने अपनी आई से सीखा है। इतिहास रचने जा रही है गुड्डन, और अब गुड्डन ही संभालेगी घर की बागडोर। तुम्हें मैंने सिर्फ सास बनने की इजाजत दी है, पत्नी बनने की नहीं। रेस्टोरेंट बंद करो, रेस्टोरेंट बंद करो। कोई आदमी वेज ऑर्डर कर रहा है और आप उसको नॉनवेज डिलीवर कर रहे हो। इस हफ्ते देखिए कि गुड्डन से कैसे हो पाएगी ये बड़ी जिम्मेदारी पूरी। सिर्फ गुड्डन तुम से ना हो पाएगा में। पिछले 20 साल से तुमने एक ही रट लगा के रखी है कि निवी माँ बुरी है, मुझे बर्बाद करना चाहती है। उसी बात का तुम रिवेंज ले रही हो ना यहाँ पे कुछ की? अपने झूठे मुखौटे से बाहर निकल के आखिर मान ही लिया दो दोस्तों ने अपनी दोस्ती को। देखना ये है कि इन परिस्थितियों में ये क्या अपनी दोस्ती निभा पाएंगे या फिर दोस्त बन जाएंगे दुश्मन।